अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालगोदाम रोड में शुक्रवार को छात्राएं शिक्षिका बनकर अपनी साथी छात्राओं को पढ़ाती नजर आई। इस अवसर पर आयोजित हुई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में छात्राओं ने अलग अलग रूप धरकर सभी का मन मोह लिया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस शुक्रवार को जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। बालिका दिवस को जिले की सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले की सरकारी स्कूलों में तो स्कूल और कक्षाओं का संचालन ही बालिकाओं द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बालिकाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में विजेता रही बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालगोदाम रोड में शुक्रवार को छात्राएं शिक्षिका बनकर अपनी साथी छात्राओं को पढ़ाती नजर आई। इससे पूर्व प्रार्थना सभा में एक बालिका को संस्था प्रधान चुना गया, फिर संस्था प्रधान की ओर से अपनी साथी छात्राओं को कक्षा अध्यापक व विषय अध्यापक नियुक्त कर कक्षाओं का संचालन करवाया गया। बालिकाओं ने कक्षाओं की कमान संभालते हुए अपनी सहपाठियों को अध्यापन करवाया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बालिकाओं का मार्गदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसके उपलक्ष्य पर और आज मैं झांसी की रानी बननी हूँ। ए फिरंगी, ये धरती हमारी है। अब मैं आज बनी हूँ मिस यूनिवर्स। मैं आगे भी यही बनना चाहूँगी। मिस यूनिवर्स एक दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है, इसलिए उसे उसका जन्म 19 अगस्त 1947 में हुआ था। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अध्यापक बनी हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। मैं भविष्य में कामना करती हूँ कि मैं भी इस स्कूल में वापस पढ़ाऊँ। बहुत अच्छा लगता है। मैं आज मैथ पढ़ा रही हूँ और इस स्कूल में पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है और 10th क्लास में होते हुए भी 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम भी यही आशा करेंगे, हम भी इसी स्कूल में वापस आए और पढ़ाए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालगोदाम रोड में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने अलग अलग रूप धरकर सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाले छात्राओं को विद्यालय प्रबंधन की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।